ैतानी बसमीम डियर स्टूडेंट्स अलैक्म डियर स्टूडेंट्स हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के मुतालिक हमारा लेक्चर नंबर फोटीन ग्लाग्जिसम के बारे में होगा तो सबसे पहले ग्लाइजोम को डिफ़ाइन करते हैं ग्लायजिसम स्पेशलाइज परिसम होता है और इस स्पेशलाइज परगजोम के अंदर वो इन्ज़ैम्स होते हैं जो कि ग्लोकोनिजेस ग्लाट साइकिल और इसके साथ साथ फिट एक्सीडेशन के लिए दरकार होते हैं हिस्ट्री ग्ला को सबसे पहले बेच और बीवर ने 1967 में जर्मिनेटिंग सीड्स से डिस्कवर किया था उनके मुताबिक जर्मिनेटिंग सीड्स के फेट स्टोरिंग सेल्स में कुछ ऐसे माइक्रोबॉडीज़ मौजूद हैं जिनके अंदर वारागजिसोमल एंजाइम्स के साथ साथ कुछ ऐसे एंजाइम्स भी मौजूद हैं जो कि ग्लाइक्जिलेट साइकिल के लिए दरकार होते हैं और उन्होंने इस माइक्रोबॉडी को ग्लाइक्जिसोम का नाम दे दिया यहाँ पे एक तरह माइक्रोबॉडी इस्तेमाल हुआ है तो सबसे पहले हम माइक्रोबॉडी को एक्सप्लेन करेंगे तो माइक्रोबॉडी क्या है माइक्रोबॉडी को साइटोसोम भी कहा जाता है माइक्रोबॉडी सेल के अंदर उन अर्गेनेलिस को कहा जाता है जिनकी डायमीटर पॉइंट वन से लेकर वन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर तक होती है और ये माइक्रोबॉडीज प्लांट्स प्रोटोजोआ और एनिमल्स में पाए जाते हैं माइक्रोबॉडीज के चार टाइप्स हैं एक है परेग्जीसोम दूसरा ग्लाइजिसोम तीसरा हाइड्रोजीनोसोम और चौथा है ग्लाइकोसोम तो ग्लाइकोसोम क्या है ग्लाइकोसोम मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेली है जिसके अंदर वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे को कंप्लीट करते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे के रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं और ग्लायकोसोम प्रोटोजोन में पाया जाता है प्रोटोजोन के काइनेटोप्लास्टेडा ग्रुप में जो कि फ्लेजिलेटेड प्रोटेस्ट पर मुश्तमिल है उनमें पाया जाता है हाइड्रोजिनोसोम हाइड्रोजिनोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड अर्गिनेली होती है यूक्रियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हाइड्रोजिनोसोम को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस अर्गिनेली के अंदर एन एरोबिक कंडीशन में बाय प्रोडक्ट के तौर पर मलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर हाइड्रोजीनोसोम मौजूद होता है उनकी एग्जाम्पल है ट्राई फीटस और ये यूनिसेलुलर फ्लेजिलेटेड पैरासाइट्स हैं ओरिजन ऑफ डीनोवो ग्लैक्सोम सबसे पहला ग्लैक्सोम किस तरह सेल के अंदर ओरिजिनेट हुआ है तो एक कंसेप्ट के मुताबिक मुताबिकोम एंडोप्लाज्मिक रेटेकुल से विजिकल के फॉर्म में डिटेच हुआ है अक्रेंस ग्लैक्सोम प्लांट्स फंजाई और प्रोटेस्ट में पाया जाता है साइज ग्लैक्सोम की साइज पॉइंट वन से लेकर वन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर तक होती है शेप ग्लैक्सोम या तो स्फेरिकल फॉर्म में होता है और या फिर ओवल फॉर्म में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्लैक्सलेट की डिस्ट्रीब्यूशन उन सीड्स में पुअर होती है जिनके अंदर लिपिड कंटेंट पुअर होते हैं जिस तरह के पी सीड्स हो गए और वो सीड्स जिनके अंदर लिपिड्स एबंडेंट होते हैं जिस तरह की बीन्स की सीड्स हो गए या फिर सनफ्लावर की सीड्स हो गए उनमें ग्लाक्जीसोम भी एबंडेंट होता है ग्लाक्जीसोम जर्मिनेटिंग सीड्स में टम्प्रेरी परपजेस के लिए होता है क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड्स में जो लिपिड स्टोर होते हैं ग्लाइजिसोम उन स्टोर लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है और फिर यही कार्बोहाइड्रेट सिल रिस्परेशन की लिए इस्तेमाल करता है लेकिन जब सीड सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है जब सीड के लीव्स आ जा जाते हैं तो ये ग्लाइगजिसोम में कन्वर्ट हो जाता है और जब फिर से प्लांट एजट हो जाता है तो फिर से ग्लासोम रीअपियर हो जाते हैं और ये रीअपियर ग्लाइक्सिसोम लिपिड कंटेंट्स को डिग्रेड करते हैं जो एजट प्लांट्स होते हैं उनमें लिपिड कंटेंट को खत्म करते हैं रेप्लीकेशन ग्लायक्जीसोम सेल्फ रिप्लीकेटिंग एर्गिनेली है यानी इसका मतलब यह है कि न्यू ग्लायोम ओल्ड ग्लाइक्जीसोम से बाइनरी फिजन प्रोसेस के थ्रू एराइज होते हैं क्योंकि ग्लाइक्जीसोम के अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड नहीं होता तो उस इसके लिए जो प्रोटीन्स दरकार होते हैं ये प्रोटीन साइटोसोल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंपोर्ट करता है स्ट्रक्चर ग्लाइक्म का स्ट्रक्चर दो कंपोनेंट्स पर मुश्तम होता है एक है मेम्ब्रेन और दूसरा है मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन ग्लाइक्जीसोम का मेम्ब्रेन सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जो कि लाइपोप्रोटीन से बना होता है और इसमें मेम्ब्रेन की थिकनेस फोर से लेकर एट नैनोमीटर तक होती है आप लोग देख सकते हैं एग्लाइजोसोम की डायग्राम है और ये एग्लाइजोसोम का मेम्ब्रेन है ये मैट्रिक्स है और ये जो सॉलिड मटेरियल है इसको क्रिस्टलाइन कोर कहा जाता है मैट्रिक्स एग्लाइजोसोम का मैट्रिक्स इंजायम में रिच होता है एग्लाइजोसोम के मैट्रिक्स के सेंटर में क्रिस्टलाइन मटेरियल होती है जिसको क्रिस्टलाइन कोर कहा जाता है और इस क्रिस्टलाइन कोर में यूरिक एसिड एक्सीडेज एंजाइम मौजूद होता है और इसके साथ साथ थ्री मेन सेट ऑफ एंजाइम, जो मैट्रिक्स में, में मौजूद होते हैं उनमें एंजाइम्स जो कि ग्लाइक्सिलेट पाथवे को कैटालाइज करते हैं और वो एंजाइम जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के लिए दरकार होते हैं और तीसरे वो एंजाइम जो कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के लिए दरकार होते हैं ये तीनों सेट ऑफ एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का क्या मतलब है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिक पथवे है जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए एं मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और इसके साथ-साथ इफ ए डैश टू एन के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं टेल कोएंजाइम टेलको को फर्दर प्रोसेस किया जाता है साइकिल के थ्रू ग्लोकोन ग्लोकोन्यूजेनेसिस ग्लोको वो मेटाबॉलिक पतवे होती है जिसके थ्रू नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स, जिस तरह के अमाइनो एसिड्स और फेटी एसिड्स हो गए नॉन शुगर मलिक्यूल से शुगर मलिक्यूल यानी ग्लूकोज डिराइव किए जाते हैं ग्लोकोनिस की कंप्लीट पथवे साइटोसोल, स्फेरोसोम, माइटोकांड्रिया और इसके साथ साथ ग्लायक्सोम में होती है साइटोसोल, माइटोकांड्रिया और ग्लायजिसोम तो आप लोग जानते होंगे तो हम थोड़ा सा स्फेरोसोम पढ़ते हैं स्फेरोसोम स्फेरोसोम ओलियोसोम भी कहा जाता है स्फेरोसोम सेल के अंदर स्मॉलर गीलिस होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इनका काम यह होता है कि ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं लिपिड को स्टोर करते हैं और इसके साथ साथ लिपिड्स की लाइसिस भी करते हैं स्फेरोसोम को सबसे पहले 1953 में पर्नर ने डिस्कवर किया था स्फेरोसोम वो ऑर्गेनलिज है जिसके अंदर ग्लोकोन्यूजेनेसिस इनिशिएट होती है और इस सबसे जो पहला रिएक्शन होता है ग्लोकोन्यूजेनेसिस का जिसमें लिपिड्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एसिड और ग्लारोल में वो स्फेरोसोम में होता है और इसके बाद एसिड और ग्लारोल स्फेरोसोम से डिफ्यूज हो जाते हैं साइटोसोल में ग्लासरो ग्ला, ग्लासरोल की मजीद प्रोसेसिंग हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू और ग्लाइसेरोल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू सेक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और फैटी एसिड की फर्दर प्रोसेसिंग माइटोकांड्रिया साइटोसोल और ग्लाइक्सिसोम के अंदर होती है और फाइनली फैटी एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ये आप लोग देख सकते हैं ये ग्लाइसेरोल है और ग्लाइसेरोल से फिर ग्लाइसेरोल थ्री फॉस्फेट बनता है ग्लास एरोल थ्री फसफेट से ग्लास ग्लूकोज सिक्स फसफेट और ग्लूकोज सिक्स फसफेट से ग्लूकोज बन जाता है इस पाथवे को ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहा जाता है क्योंकि इस पाथवे में ये नॉन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है ग्लास एरोल ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है फिट एसिड साइटोसोल से डिफ्यूज हो जाता है ग्लाक्सोम में और फिट एसिड ग्लाक्सोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सोसिनेट में और सोसिनेट को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए माइटोकंड्रिया में बेच दिया जाता है माइटोकंड्रिया के अंदर सोसिनेट कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल इनोल पायरोट में फास्फोइनोल इनोल पायरोट को साइटोसोल में डिफ्यूज किया जाता है साइटोसोल साइटोसोल में फ्रेश इनोल पाइरोवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिट पाथवे हिस्ट्री ग्लाइकोलिट पाथवे को सबसे पहले कॉर्नबर्ग और क्रिब ने 1956 में स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर किया था डेफिनेशन ग्लाइकोलिट पाथवे एन एरोबिक पाथवे है और इस पाथवे में एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट किया जाता है सोसीनेट में और सोसीनेट से फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं यह पथवे प्लांट्स फंजाई प्रोटेस और बैक्टीरिया में अकर होती है इस पथवे में ए को दो मलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं और इस पथवे के लिए फाइव मेजर एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं जो कि सिट्रेट सिंथेटेस, एकोनीटेज मेलेट डिहाइड्रोजिनेस सिट्रेट लाइस और इसके साथ साथ मिलट सिंथेटेस एंजाइम्स हैं इसमें जो पहले तीन एंजाइम हैं ये साइकिल और ग्लाइलेट पतवे आपस में शेयर करते हैं यानी ये तीन एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेस, एकोनीटेज मिलेट डिहाइड्रोजिनेस ये ग्लाजिलट पतवे के साथ साथ साइकिल में भी इस्तेमाल होती है इन ग्लाइक्लेट पथवे उसमें तीन अर्गेलीस हैं ग्लाइक्ोम माइटोकॉन्ड्रिया और इसके साथ साथ साइटोसोल में भी ग्लाट पथवे के कुछ रिएक्शन होते हैं तो दो मेजर अर्गेनेलिज हैं ग्लायजिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है साइटोसोल तो इन तीन रीजन्स पर ग्लासोम के रिएक्शंस होते हैं मैकेनिज्म ऑफ ग्लायक्जिलेट पाथवे रिएक्शन इन ग्लैक्सोम सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लैक्सोम के अंदर जो ग्लैक्ट पाथवे के रिएक्शंस होते हैं ग्लैक्सोम के अंदर फेटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल को ए बन जाता है ये एसिटाइल को एंजाम ए एक्सिटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बना लेता है और इस रिएक्शन को सिट्रेट सिंथेटेज एंजाम कैटालाइज करता है और इसके बाद सिट्रिक एसिड की डिहाइड्रेशन हो जाती है और इस डिहाइड्रेशन से सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनेटिक एसिड में और इस रिएक्शन को एकोनीटेज एंजाइम कैटालाइज करता है ये आप लोग देख सकते हैं ये सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और सिट्रिक एसिड से एच टीओ रिमूव हो जाता है और सेटरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सिस एक्नेटिक एसिड में और इसके बाद सिस एकोनिटेट कन्वर्ट हो जाता है उसकी फिर से हाइड्रेशन हो जाती है उस उसमें फिर से हाइड्रोजन मलेक्यूल ऐड हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसोसिट्रेट मलेक्यूल में और ये एंजाइम भी और ये रिएक्शन भी एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है और इसके बाद एसोसेट्रेट की ब्रेकडाउन हो जाती है ग्लैक्सिलिक ग्लैक्सिलिक एसिड और सोसेनिक एसिड में और इस रिएक्शन को ऐसोसेट्रेटेज या एसोसेट्रेटलाइज एंजाइम कैटालाइज करता है सोसिनेट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लैक्सिलेट से एक्जिलोसिटेट बन जाता है ये एक्जिलोसीड फिर से ग्लैक्सिलेट पाथवे को इनिशिएट करता है कंबाइन हो जाता है एसीटाइल को साथ जो कि ऑफ फैटी एसिड से प्रोड्यूस होता है और ये ग्लायलेट और एसीटाइल को प्रेजेंस में कंबाइन हो जाते हैं और इससे जो मलिक्यूल बनता है उसको मैलिक एसिड कहा जाता है ये आप लोग देख सकते हैं ये Glaxolate का फार्मूला है ये एसिटाइल को फार्मूला है सिंथेटेस एंजाइम के प्रेजेंस में और इसके साथ साथ एक वाटर मलिक्यूल भी कंज्यूम हो जाता है ये दो ये दो मलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं मेलिक में। और इसके साथ साथ कोएंजाइम रिलीज हो जाता है और इसके बाद मेलिक एसिड की एक्सीडेशन होती है एक्जेलो एसेटिक एसिड में और ये रिएक्शन मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है इस रिएक्शन में डिहाइड्रोजिनेशन होती है मेलिक एसिड से डिहाइड्रोजिनेशन होती है मेलिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और उन हाइड्रोजन को एन कैप्चर कर लेता है और एन कन्वर्ट हो जाता है एन में मेलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एक्जेलो में या एग्जेलो एसिड में और ये एक्जेलो एसीटिक एसिड के साथ मिलकर से ग्लायक्ट पाथवे इनिशिएट कर लेता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। सुसेनिक एसिड जो कि ग्लायक्सिशोम में प्रोड्यूस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट हो जाता है एक्सलो एसेटिक एसिड में क्रेपसाइकल प्रोसेस के थ्रू और ये कन्वर्जन सोसैनिक एसिड से एक्लो एसिड एसेट में ये जो कन्वर्जन है ये ग्लाइजीसोम के अंदर नहीं होती क्योंकि ग्लाक्सोम के अंदर ये सोसैनिक डिहाइड्रोजिनेस और फ्यूमरेज एंजाइम मौजूद नहीं होते ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती हैं इसलिए सोसैनिक एसिड ग्लाक्जिसम से डिफ्यूज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है आप लोग देख सकते हैं क्रेप साइकिल के थ्रू सोसेनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एक्जिलो एसेटिक एसिड में और ये एक्जिलो एसेटिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है यानी इससे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाता है और इसके साथ साथ इस रिएक्शन में एक एटीपी भी कंज्यूम हो जाती है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में एक्जिलोएसिटेट से फास्फोइनोल

मिलकर सक्रोज बना लेते हैं जो कि प्लांट एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं फंक्शन ऑफ ग्लायम ग्लायजोम के अंदर तीन मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज अकर होते हैं ग्लोकोनियोज फेटी और इसके साथ साथ ग्लाइक्सलेट साइकिल इन तीन पाथवेज के थ्रू एसिड्स ग्लासरोल और अमाइनो एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये कार्बोहाइड्रेट सिल अपने लिए एनर्जी रिलीज करने के लिए इस्तेमाल करता है और इसके साथ साथ मेटाबो इन मेटाबॉलिक पाथवेज के रिजल्ट में बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन पराक्साइड भी बनता है और ये हाइड्रोजन पराक्साइड एंजाइम के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करता है जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स इस्तेमाल करते हैं इसके बाद सोम के मुतालिक कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि ईटा मेडिकल टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं एमसीक्यूज़ नंबर वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू बी द माइक्रोबाडी परग्जीसोम ग्लाम ग्लाइकोसोम एंडो हाइड्रोजीनोसोम आलफतीबाओ तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं परग्जीसोम ग्लाम ग्लाइकोसोम और इसके साथ साथ हाइड्रीज हाइड्रोजीनोसोम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को माइक्रोबाडी कहा जाता है एम सी क्यूज नंबर टू गलेक्सोम इज प्रॉबिबली एपसेंट इन बीन सीड मस्टर्ड सीड सनफ्लावर पी सीड गसोम इन चार सीड्स में से किस सीड में एपसेंट होगा तो पी सीड क्योंकि ये लिपिड में पुअर होता है तो इस वजह से ग्लैक्सोम पी सीड में एबसेंट होगा या फिर बहुत कम मेदार में पाया जाएगा सीडलिंग गेट्स द एबिलिटी टू सेंथिसाइज फूड थ्रू फोटोसेंथिस दिन ग्लाज कन्वर्टेड इन टू जब सीडलिंग की ये एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने लिए खुद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड सेंथिसाइज करे तो ग्लाजिसोम कन्वर्ट होता है पर में तो ऑप्शन नंबर थ्री पर करेक्ट ऑप्शन है एम सी क्यूज नंबर फोर विच वन ऑफ पाथवे अकर इन ग्ला ग्लैक्सोम के अंदर कौन सी मेटाबॉलिक पाथवे अकर होती है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड ग्लोकोनज या फिर ग्लाइक्सिलेट पथवे तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ करेक्ट है क्योंकि ग्लाजिसोम के अंदर

सेट्रे, ट्रेट सिंथट एकोनीटेज मिलेट डी इन तीनों एंजाइम में वो कौन सा एंजाइम है जो कि क्रिप साइकिल और ग्लाइक्सिलेट साइकिल आपस में शेयर करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर है क्योंकि सट्रेट सिंथेटेज एकोनीटेज और मिलेट डी ये तीनों एंजाइम क्रिप साइकिल और ग्लैक साइकिल आपस में शेयर करते हैं नी मलिक्यूल में कोएंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम किए जाते हैं ऑप्शन नंबर नंबर टू टू ऑप्शन नंबर थ्री थ्री और ऑप्शन नंबर फोर फोर ऑप्शन नंबर टू यानी टू में दो कोएंजाइम कंज्यूम होते हैं सोसिनेट इन इज प्रोड्यूस्ड इन ग्लाटोसोल मैटोक या फिर जीसों, ग्लाग जीसों ग्लाग में सोसिनेट किस अर्गिनेली में प्रोड्यूस होता है तो ऑप्शन नंबर ए ग्लाजिसम करेक्ट ऑप्शन है एम सी क्यूज नंबर नाइन दाइमरी एक्टिविटी ऑफ ग्लाइक्म इज टू कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट स्टीराइड या फिर न्यूक्लिक एसिड। गैक्सोम की बुनियादी जो फंक्शन है वो क्या है कि ये फेटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में एम सी क्यूज नंबर टेन परेजीसोम फैमिली इनक्लूड ग्लाइकोसोम ग्लैकोसोम या फिर आलफ दीबाओ तो फैमली मुश्तमिल होती है परेगजिसम पर ग्लैक्सोम और इसके साथ साथ ग्लाइकोसोम पर भी तो ऑल ऑफ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बायोलॉजी विद जिब फॉर मोर वीडियोज